फिल्में देखना किसको पसंद नहीं है, फिल्मों के बारे में किसको जानकारी नहीं होती। दुनिया में कई ऐसी फिल्में भी हैं जिन्होंने हजारों करोड़ का बिजनेस किया है। आप समझ सकते हैं कि लोगों का कितना प्यार मिलता होगा इस तरह की फिल्मों को। जानते हैं दोस्तों, आज मैं आपको ये सारी बात क्यों बता रहा हूँ? जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही सीरियस बिजनेस है। फिल्म मेकिंग किसी के लिए मजाक नहीं है, लेकिन कई बार बड़े से बड़े डायरेक्टर कुछ ऐसी गलती कर देते हैं कि लोग उसे आसानी से पकड़ लेते हैं। दोस्तों, आज हम भी आपको कुछ ऐसे ही फिल्मों की सीन दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको बहुत हंसी आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि डायरेक्टर ने कितनी बड़ी गलती की है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन, अमेरिकन स्नीपर। दोस्तों, अमेरिकन स्नीपर फिल्म के बारे में किसे नहीं पता होगा। जी हाँ, ये भी अपने जमाने की सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म में कई सारी गलतियां थी जिसे कि सबने ऑन स्क्रीन ही पकड़ लिया। जी हाँ, कहते हैं कि इस फिल्म की जब स्क्रिप्टिंग हो रही थी तब अफगानिस्तान के बारे में तो बहुत सारे लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी ही गई, जिसको लेकर ये फिल्म विवादों में रही। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ ऐसे ऐसे सीन थे जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, अगर आपको यकीन न हो तो जरा यहाँ का नजारा ही देख लीजिए। कहते हैं कि सीन को देखने के बाद सबको बहुत हंसी आ रही थी। जी हाँ, सब यही कह रहे थे कि इतनी बड़ी फिल्म और ऐसी गलती कैसे कोई कर सकता है। दोस्तों, इस सीन को ही आप देख लीजिए। जी हाँ, यहाँ पर आपने क्या देखा? हीरो के हाथ में एक बच्चा है, लेकिन दोस्तों इस बच्चे को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये किसी प्लास्टिक से बनाया गया है। जी हाँ, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर इस प्लास्टिक के बच्चे को सही सही बच्चा साबित करने की कोशिश की जा रही है। क्या बात है। साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि कैसे इस बच्चे को जीवित दिखाने के लिए बार बार हीरो अपनी ही उंगली से उसके हाथों को हिला रहे हैं। जी हाँ, ये है इस फिल्म की और इस सीन की सच्चाई। नंबर टू, ब्रेव हार्ट। ये भी हॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म थी। इसके रिलीज से पहले जिस तरह की बातें की जा रही थी वो आज भी सबको याद है। जी हाँ, कहते हैं कि इस फिल्म की रिलीज को टेक्निकली सबसे स्ट्रॉन्ग कहा जा रहा था, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज होकर आई तो सब ने इसे मजाक ही बनाकर रख दिया। इनफैक्ट जितनी गलती इस फिल्म मेकिंग में थी उतनी गलती आपने कभी भी किसी और पिक्चर में नहीं देखी होगी। जी हाँ, आज हम आपको एक एक करके सब दिखाते हैं। वेल फ्रेंड, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जितने भी यहाँ पर तलवार या लड़ने वाली चीजें हैं ना, वो सब के सब लगता है कि रबर से ही बनाए गए थे। जी हाँ, ये सीन देखकर आपको पता चल ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इस फिल्म में दिखाया गया था कि यह हजारों साल पुरानी फिल्म है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही घोड़े को भगाया जाता है पीछे एक व्हाइट कलर की कार खड़ी हुई मिलती है। क्या बात है। यहाँ भी देखिए कि ये जब सीन में भागते हैं ना तो इनके हाथों में कुछ नहीं होता है, लेकिन अगले ही सीन में इनके हाथों में एक तलवार आ जाती है। जादू, ये तो कमाल ही हो गया यार। दोस्तों, ये देखिए फिल्म की शूटिंग हो रही है कि अचानक एक बंदा कैप पहनकर सीन में घुस जाता है, लेकिन किसी ने कुछ भी नोट नहीं किया। नंबर थ्री, टाइटैनिक। अब हम आपको दिखाते हैं टाइटैनिक फिल्म की कहानी। जी हाँ, इस फिल्म के बारे में किसी से क्या ही कहना, क्योंकि ये है सबसे बड़ी फिल्म हॉलीवुड की। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक ही फिल्म में दो जहाज का इस्तेमाल किया जा सकता था? आप शॉक्ड हो गए होंगे कि ये कैसे हो सकता है। आज हम आपको एक एक करके इस फिल्म के दो सीन दिखाते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ की पहली तस्वीर। यहाँ पर देखिए कि जब जहाज पर हीरो और उनका एक दोस्त डॉल्फिन को देखने के लिए जाते हैं तो कैसा नजारा होता है शिप का। लेकिन उसी जगह से जब हीरो और हीरोइन का वो फेमस सीन आता है जब ये दोनों अपनी अपनी हाथों को फैलाते हैं, तो उस समय देखिए कि कैसा शिप का नजारा था। जी हाँ, ये देखिए। अब आप ही बताइए कि एक ही लोकेशन से फिल्म की शूटिंग हुई थी लेकिन दो अलग अलग तरह के शिप कैसे देख सकते हैं। दिस इज शॉकिंग। कई लोग मजाक में कहते हैं कि हो सकता है कि टाइटैनिक में दो जहाज हो लेकिन लोगों को एक के बारे में ही पता हो। लेकिन ये वाकई में सोचने वाली बात है कि कुछ लोग कैसे छोटी छोटी गलतियां पकड़ लेते हैं। नंबर फोर, डेडपूल। दोस्तों, हॉलीवुड की ये भी बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म रही है। जी हाँ, कहते हैं कि इस फिल्म ने खूब पैसे भी कमाए और साथ ही साथ सबका दिल भी जीता। लेकिन आज हम आपको फिल्मों की गलतियां गिनवा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसा जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि डेडपूल में कई ऐसे सीन हैं जिसे जब आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितना बड़ा मिस्टेक है। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा था कि जिस हीरो का दाहिना हाथ कटा हुआ दिखाई देगा वो नीचे उतरते ही बायां हाथ में बदल जाता है?
जी हाँ, ये देखिए ना, यहाँ पर एकदम स्लो स्पीड में जी आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। कहते हैं कि इस फिल्म में एक या दो नहीं, न जाने कितने ऐसे सीन थे जो कि गौर से देखने के बाद लगता है कि ये कैसे कोई कर सकता है। अब आप एक बार यहाँ देखिए, हीरो के हाथ इस सीन में कटे हुए, लेकिन जैसे ही हीरो रोड पर आता है वैसे ही ये देखिए कि इसके हाथ में तलवार कहाँ से आ जाती है। ये है डायरेक्टर की तरफ से सबको सरप्राइज करने का तरीका। इस तरह के सीन को देखकर एक बात कही जा सकती है कि बड़े बड़े फिल्मों में इस तरह की छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं दोस्तों। नंबर 5, मैरी एंटोनी। दोस्तों जब ये फिल्म आई थी तो सब जगह इसी की चर्चे थे। जी हाँ, सबको यही लग रहा था कि इस तरह की फिल्में सैकड़ों साल में एक बार ही बनती हैं। आज हम आपको बताते हैं कि इस तरह से यहाँ पर डायरेक्टर ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जी हाँ, आप देखिए ना कि कैसे यहाँ पर इस फिल्म में महंगे महंगे कपड़े दिखाए गए। जी हाँ, कैसे यहाँ पर महिलाओं को सजा करके दिखाया गया है। दोस्तों एक्चुअली में इस फिल्म को बनाया ही गया था फ्रांस की महारानी को दिखाते हुए, और वो भी 18th सेंचुरी में। इस फिल्म में एक सीन आता है जहां पर कि ये महारानी उस जमाने के सैंडल को पहन रही होती हैं। अब आप देखिए ना कि यहाँ पर किस तरह से बार बार ये अपने सैंडल को बदल रही हैं। लेकिन अंत में हुआ क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंत में एक ऐसा जूता भी दिखा दिया जाता है जो कि होता है 20th सेंचुरी का। क्या बात है, डायरेक्टर ने सीधे ही 200 साल कम कर दिया। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको बहुत हंसी भी आएगी, है कि नहीं। कमाल है यार, कहने का मतलब यह है कि इतनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं लेकिन कितनी बड़ी बड़ी मिस्टेक की जाती हैं फिल्म में। नंबर 6, हैरी पॉटर। अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए। जी हाँ, तभी तो कहा जाता है कि ये लोग बड़े ही क्रिएटिव होते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि क्रिएटिविटी के साथ साथ बड़ी मिस्टेक भी कर देते हैं। फ्रेंड्स, बात ऐसी है कि जब इस फिल्म को बनाया जा रहा था तब सबको पता था कि जो ओरिजिनल हैरी पॉटर था उसकी आंखें ग्रीन कलर की थी। जी हाँ, ये हर किताब में लिखा था, लेकिन इस फिल्म में जो लड़का हैरी पॉटर का ऑन स्क्रीन किरदार निभा रहा था उसकी आंखें ब्लू कर दी गई। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बच्चे की आंखें ब्लू कलर की हैं। एक्चुअली जब इसके बारे में इस फिल्म के डायरेक्टर से पूछा गया तो उनका कहना था कि ये इसलिए हुआ क्योंकि बच्चा कॉन्टेक्ट लेंस लगाने को तैयार ही नहीं था। जी हाँ, इसीलिए अंत में डायरेक्टर ने सोचा कि चलिए ब्लू से ही काम चला लिया जाए। क्या बात है। नंबर 7, फैंटास्टिक बीस्ट्स। वेल, अब हम आपको एक ऐसी हॉलीवुड की फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको हंसी आ जाएगी। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा कि हर सीन के साथ साथ सामान का लोकेशन भी फिल्मों में बदल सकता है? जी हाँ, ये होता है। अब आप यही देख लीजिए, यहाँ का नजारा ही अलग है। यहाँ पर एक बंदा जो है वो खाने वाले ब्रेड को एक बॉक्स में लेकर किसी को दिखाता है। जी हाँ, गौर से देखिएगा, उसके बाद जैसे ही दोबारा कैमरा आता है उसके ऊपर तो उसी ब्रेड की पोजीशन चेंज हो जाती है, मानो ऐसा लगता है किसी ने खा लिया उस ब्रेड को। ये तो पहली मिस्टेक थी दोस्तों। अब ये भी देखिए ब्लंडर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब खाना खा रहे हैं। जी हाँ, सबके आगे में प्लेट है, लेकिन अचानक ही न जाने इस लेडी के साथ क्या हो जाता है, वो उठकर वहां से चली जाती है। जी हाँ, ये देखिए कि जैसे ही वो डिनर टेबल से उठकर बाहर जाती है वैसे ही सारे के सारे प्लेट भी टेबल से खाली हो जाते हैं। मतलब ये कि तो कुछ भी डायरेक्टर ने दिखा दिया है कि नहीं। आप देखिए कि यहाँ का नजारा कैसा था, एक मिनट पहले खाने की प्लेट पड़ी हुई थी और अगले ही मिनट सब गायब। साथ ही इस आदमी को भी देख ही लीजिए। जी हाँ, कहते हैं कि इस आदमी ने तो अति ही कर दी। जी हाँ, ये हर सीन में अलग अलग कपड़े पहनता है। क्या बात है, लगता है कि डायरेक्टर को मजाक बनाने की आदत पड़ गई है, है कि नहीं दोस्तों। कोई भी डायरेक्टर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है यार, वो भी बार बार। नंबर 8, कैप्टन अमेरिका। अब हम आपको दिखाते हैं हॉलीवुड की सबसे सफल फिल्मों में से एक की कहानी। जी हाँ, ये बात तो आप भी जानते ही हैं कि जब कैप्टन अमेरिका आई थी तो उसकी बात ही अलग थी। जी हाँ, कहा जा रहा था कि आज तक इस तरह की फिल्म ही नहीं बनी है। बात भी सही है, वाकई में आज तक इस तरह की फिल्म नहीं बनी थी। लेकिन इस पिक्चर में भी कई सारे मिस्टेक थे जिसे कोई आम आदमी नहीं पकड़ सकता था। उसकी पीछे की वजह जानते हैं आप क्या थी? जी हाँ, ये फिल्म ही बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। कहते हैं कि हर सीन में ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप फिल्म की कहानी में ही खोए रह जाते हैं। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि असल में यहाँ पर क्या क्या गलतियां की थी इस फिल्म के डायरेक्टर ने। सबसे पहले आप इस सीन को ही देख लीजिए। जी हाँ, यहाँ पर जब एक बंदे को गोली लगती है तो उसके हाथ से ये बॉटल नीचे गिर जाती है, लेकिन एक लड़की ने इस बॉटल को जमीन में नीचे गिरने से बचा लिया। अब ये भी आप देख लीजिए। जी हाँ, यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि जब लड़की नीचे गिरती है तो उस समय आप देखिए कि बॉटल का डायरेक्शन किस दिशा में होता है, और जैसे ही अगले सीन में वो उठकर खड़ी होती है तो आप देखिए कि इस समय किस डायरेक्शन में होता है। जी हाँ, ये बहुत ही अजीब सी बात है, लेकिन जिसने बहुत भी बारीकी से इस फिल्म को देखा होगा वही इस तरह के सीन को पकड़ सकता था। नंबर 9, ग्लैडिएटर।
अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसे फिल्म की कहानी जिसे सबसे बड़ी फिल्म के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये है ग्लैडिएटर। आपको बता दें कि यहाँ पर एक सबसे फेमस सीन में ही सबसे बड़ी गलती कर दी गई थी। जी हाँ, जब हीरो को एक अखाड़े में मौत मिली तो देखिए कि ये कैसे नीचे लेट गए। जी हाँ, कोई भी बड़ा इमोशनल हो जाएगा इस सीन को देखकर। लेकिन दोस्तों, जब आप एक अलग ही एंगल से इस सीन को देखते हैं ना, तो आपको नजर आता है कि इनके सिर के नीचे तो एक अलग ही तरह का तकिया लगा हुआ दिख रहा होगा, है कि नहीं? ये देखिए कैसे इनके सिर के नीचे तकिया लगा हुआ है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार।